हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपकी जो सीरीज़ थी हरियाणा जीके की, उसी को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश रहेगी कि आपको कंटिन्यू आपके एग्जाम्स तक अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। तो दोस्तों, आज हम ये सीरीज़ जो है शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपका कि जो महमूद गजनवी है उसने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, वैसे आप जो नेशनल हिस्ट्री उसमें काफ़ी बार पढ़ते हैं, आइडल ब्रेकर इसको बोलते हैं, मूर्ति भंजक किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जाए तो महमूद गजनवी, आइडल ब्रेकर, मूर्ति भंजक, या किसने 17 बार आक्रमण किया, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके नेशनल हिस्ट्री में महमूद गजनवी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड है। इसमें ये पूछ रहा है कि थानेसर के ऊपर इसने कब अटैक किया था। तो महमूद गजनवी को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर, जो आपको वैसे भी पता है कुरुक्षेत्र के आसपास का जो एरिया है थानेसर, धर्मनगरी हरियाणा की इसको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मंदिरों हैं, तो मंदिर यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा जो है सोना और जो मूर्तियाँ थी वो इसको सूचना दी गई थी कि यहाँ पर हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, तो ये उसको धन को लूटने के लिए और मंदिरों को तोड़ने के लिए यहाँ पर इसने अटैक किया था। तो ये डेट पूछ रहा है आपसे, तो 1014 ईस्वी के अंदर इसने जो कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर है उसके ऊपर अटैक किया था। रीज़न इसके पीछे यही था, धन लूटना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और मूर्तियों को तोड़ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर पर तैमूर, ये भी हिस्ट्री रिलेटेड है क्वेश्चन आपका, तैमूर लंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये जो आपको तीनों ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के, जो उत्तरी पश्चिमी जो है हिस्सा हरियाणा का, उत्तरी पश्चिमी तीनों ही जिले जो हैं, सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, बॉर्डर के ऊपर हैं, उत्तरी पश्चिमी बॉर्डर पर नियर बाई तीनों साथ लगते हुए हैं, तो इन तीनों के ऊपर ही अटैक किया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इनकी स्थापना किसने की हिसार और फतेहाबाद की, तो फिरोज शाह तुगलक ने इन शहरों की स्थापना की थी, इन दोनों ही की। सिरसा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व 373 हरियाणा के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, ये क्या योजना है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की थी कि जो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उसके ऊपर जो ध्वजारोहण होता है गांव के अंदर, कहीं पर भी, स्कूल में, पंचायत के अंदर, तो वहां पर जो गांव की सबसे पढ़ी लिखी जो भी लड़की है वो वहां पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराएगी। तो ये इससे रिलेटेड है, ध्वजारोहण से, झंडा फहराने से रिलेटेड है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उर्दू मुख्यतः किस ज़िले में बोली जाती है। तो ये भी अगर आपको मैप को अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। जो आपका एरिया है गुड़गांव का, फरीदाबाद का, पलवल का, जो कि टच है यूपी के साथ जो लगता हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर ये जो है उर्दू जो है, मुस्लिम बाहुल इलाका है हरियाणा का, वहाँ पर उर्दू मुस्लिम जो है बोलते हैं। तो उर्दू की अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से, तो आप समझ सकते हैं पंचकुला बिल्कुल ही उत्तरी सीमा पर हरियाणा का ज़िला, कुरुक्षेत्र भी उत्तरी पूर्वी ज़िला है, पानीपत भी एक पूर्वी सीमा के ऊपर ज़िला है, जबकि ये जो है गुड़गांव जो है आपका नियर बाय, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, ये जो ज़िले हैं हरियाणा के, ये लगते हैं यूपी बॉर्डर के साथ, इसलिए यहाँ पर बोली जाती है उर्दू। नेक्स्ट है, 35, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी भाग में। तो जो हम मैप देखते हैं हरियाणा का, जैसे हम मैप देखते हैं तो उसके अंदर आपको कई बार बता चुका हूँ, ये मान लीजिए हरियाणा का मैप है, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो है आपको पता है पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, ये जो ज़िले हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं अरावली की, तो यहाँ पर दक्षिणी सिरे पर, अरावली की जो है दक्षिणी सिरे पर है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, दक्षिणी हिस्से के अंदर अरावली की पहाड़ियाँ और उत्तरी पूर्वी कहाँ पर है, ये जो ज़िले हैं अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, यहाँ पर हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो इन शिवालिक की पहाड़ियों की वजह से यहाँ पर जो है उत्तरी पूर्वी जो भाग है हरियाणा का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है, मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर साथियों आपको लेटराइट जो मिट्टी है, पथरीली मिट्टी जो है वो पाई जाती है, जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर, मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है,
मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी, इसकी ट्रिब्यूटरी, मारकंडा की ट्रिब्यूटरी है टांगरी, और ये सारी घग्गर की ही ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मेन जो नदी है घग्गर। और ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया था, उसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था कि किसकी सहायक नदी है, तो उसमें आंसर आपका टांगरी का क्वेश्चन पूछा था, मारकंडा के बजाय घग्गर उन्होंने आंसर दिया था, तो वो सही है क्वेश्चन, बाद में आंसर की के अंदर भी वही आंसर दिया गया था। नेक्स्ट है, 1947 में भारत के स्वतंत्रता होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो आपको पता है 1947 में जब दो टुकड़े हो गए हमारे देश के, उसके बाद भी जो है हरियाणा किसका भाग था? पंजाब का भाग था। आप सभी को पता है हरियाणा और पंजाब, हिमाचल, ये अलग हुए हैं 1966, 1 नवंबर 1966 को। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी समझने वाली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जिला हरियाणा में स्थित है? तो आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दमदमा, खलीलपुर, कोटला, ब्लूबर्ड झील, ये सारी झीलें, सुल्तानपुर झील है, तिलियार झील है, सारी झीलें हरियाणा के अंदर हैं। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है साथियों, और ये जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कवर। तो खंडवा जो है वो क्या है? आप सभी को पता है खंडवा जो है पगड़ी जो है उसको बोला जाता है। कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कल्चर से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो खंडवा जो है वो होती है पगड़ी, दमन जो है, दमन लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, दमन जो होता है घाघरा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको बोलते हैं दमन, पीलिया, पीलिया बोलते हैं दुपट्टे को, और अंगी ये है दोस्तों इनर गारमेंट्स के अंदर आता है, जो हम अंडर गारमेंट जो बोलते हैं जिनको अंगी, उसको बोला जाता है अंतर वस्त्र। नेक्स्ट है, नई खेल नीति को स्वीकार किया गया, तो ये इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा जाता है जब, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 21 अगस्त 2009 को जो हरियाणा के अंदर नई खेल नीति को स्वीकार किया गया था, एक नया गेम डिम्पिया ओलंपिक्स, अंधे सॉरी जो बहरे और गूंगे लोगों के लिए एक गेम है डिम्पिया ओलंपिक्स, उसको शामिल किया गया था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है उसका किस अधिनियम और किस वर्ष में जो है गठन किया गया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, देख सकते हैं आप सभी के अंदर जो है अधिनियम जो है वो सभी में सेम दिया गया है, बस फर्क है यहाँ पर साल का, तो आपको याद रखना है 2008 का अधिनियम संख्या 19। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ये बाबा सर्वणनाथ ने बनवाया था। एक दूसरा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? सेम मिलता जुलता नाम, सर्वेश्वर महादेव, स्थानेश्वर महादेव, तो स्थानेश्वर वाला है सदाशिव राव बाहू। नेक्स्ट है, एटलस उद्योग कहाँ पर है? एटलस उद्योग आप सभी को पता है सोनीपत जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है एटलस का जो फैक्ट्री है वहाँ पर लगाई गई थी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सिरसा जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर लोगों की संख्या, तो सिरसा के अंदर केवल 373 जो लोग हैं एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर रहते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का कौन से जिले की है, 373 सिरसा जिले की। नेक्स्ट है, बाबू परमानंद, ये आप जब जो पूरी सूची देखते हैं, पूरी लिस्ट देखते हैं कि हरियाणा में कौन जो है राज्यपाल रहे हैं शुरुआत से, धर्मवीर वर्तमान में कौन है, ये जो अलग अलग नाम है उनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं, तो बाबू परमानंद राज्यपाल के पद पर हरियाणा में रहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म, तो इनका जन्म जो है वर्तमान की बात करें तो वो है फतेहाबाद जिले के अंदर पीली मंडोरी गाँव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था ये, लेकिन ऑप्शंस के अंदर आपको शायद ही चेंजमेंट देखने को मिले और हिसार ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो इनका जन्म हुआ है हिसार के अंदर, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजना में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? मतलब कि 3 योजनाएं जो 4 आपको दी गई उनमें किसी ना किसी प्रकार से शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से जुड़ी हुई है, केवल एक योजना को छोड़कर, तो ये जो है अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स है हरियाणा के अंदर, डॉक्टर अम्बेडकर जो एससी के लिए, और जो राज्य मेरिट हरियाणा स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप योजना 10th और 12th के अंदर जिनकी मेरिट आती है उनको ये
स्कीम के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये तीनों जो योजनाएं हैं ऊपर वाली, ये किसी ना किसी प्रकार के शिक्षा से संबंधित हैं। स्वयं सिद्ध योजना जो है महिलाओं से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 61, किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। यहाँ पर कार्तिक जो सांस्कृतिक महोत्सव है वो यहाँ पर मनाया जाता है, एक आर्ट और कल्चर का एक मेला है वो यहाँ पर लगता है। कई क्वेश्चन जो इसे रिलेटेड पूछ जाते हैं राजा नाहर सिंह से रिलेटेड, तो ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है। नेक्स्ट है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर प्रवचित किए? तो ये ज्योतिसर जो सरोवर है, ज्योतिसर जो कुंड है, वहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो यहाँ पर दिया था। गीता से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको हर बार बताता हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं, गीता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आंसर नहीं आता है तो आपका आंसर 99% होगा, 1% चांसेज है कोई और आंसर हो सके। गीता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो कुरुक्षेत्र आपको आंसर करना है, अगर आपको नहीं आता है तो। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अनुशंसा पर हुआ? तो सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर जो हरियाणा का निर्माण हुआ था। आयोग कौन सा था? जे सिसा आयोग। नेक्स्ट है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल, इन ऑप्शंस के अंदर आप देखते हैं कोई भी हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल नहीं है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा के पहले राज्यपाल, इनसे पीछे कप्तान सिंह सोलंकी थे जो 16वें राज्यपाल थे हरियाणा के, 15वें राज्यपाल थे जगन्नाथ पाड़िया। तो ये इस टाइप से पूछ लेता है कई बार। वर्तमान में जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, वो हरियाणा के 17वें राज्यपाल हैं, 17th, और इन्होंने शपथ ली थी 25 अगस्त 2018 को। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आपको कमेंट करिए, हमें बताना है राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। नेक्स्ट है, सबसे बेसिक क्वेश्चन जब हरियाणा जी के हम पढ़ने शुरू करते हैं कि हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, तो वो यह क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल कितना है, तो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा एक मैदानी राज्य है, सही बात है। इसकी तुंगता वो है 700 से 900 फुट, जो ऊंचाई है समुद्र तल से उसकी बात हो रही है। तो दोनों ही बातें जो हैं सही हैं, ए तथा आर दोनों ही निष्कर्ष और जो कारण है वो सही हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बुक आती थी शुरुआत में जब ये एग्जाम्स हुए थे, पीजीटी के टीजीटी के एग्जाम्स हुए थे 2016 के अंदर, उनमें अरिहंत की जो बुक आती थी उसकी जो एक्सरसाइज ये क्वेश्चन थे, एज इट इज विदाउट चेंजिंग ऑप्शंस जो क्वेश्चन दिए गए थे उनके अंदर, आपको ये बुक के अंदर भी एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वहीं से क्वेश्चन उठाए गए थे और काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन पटवारी के अंदर आ चुका है, कई और एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट है, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया? तो ये विभाजन पंजाब और हरियाणा के विभाजन की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है हमारे देश के विभाजन की, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए उसके बाद जो पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ पर था। विभाजन से पहले की बात की जाए लाहौर में, विभाजन जब हो गया उसके बाद शिमला में, और जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हो गया तो कहाँ पर, तो चंडीगढ़ के अंदर। आप सभी को पता है वर्तमान में चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है दोनों राज्यों का म्यूचुअल। तो ये तीनों ही अलग अलग ऑप्शन से आपको याद रखने हैं, देश के विभाजन से पहले लाहौर के अंदर, देश के विभाजन के बाद शिमला में, वर्तमान में चंडीगढ़ में, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, कौन सी झील है? सुल्तानपुर जो है, सुल्तानपुर झील है गुड़गांव के अंदर, वहाँ पर जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आपको काफ़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, पिहोवा मेला, तो पिहोवा कहाँ पर है? पहली बात ये आपको बताना चाहिए, पिहोवा है कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर है पिहोवा, यहाँ पर जो है मेला लगता है पिहोवा के अंदर। पितरों का जो पिंड दान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आता है आपका ये, इनके लिए मेला लगता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको कई बार मैं वैसे बता चुका हूँ, जब भी डांस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम, जिसका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है? धमाल, धमाल जो नृत्य है प्राचीनतम सबसे पुराना है। नेक्स्ट है, श्री छोटूराम, छोटूराम एक किसान नेता थे, किसान नेता थे छोटूराम, इनका जन्म आपको हमें डेट जो बतानी है, इनकी जन्म कब हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कमेंट करके आप हमें बताइए। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया था, बाद में स्थिति को इसे वापस ले लिया गया। तो ये 1 जुलाई 1996 को लागू हुई
सीएम थे उस टाइम चौधरी बंसीलाल, हरियाणा का विकास पुरुष जिनको बोला जाता है बोल्ड डिसीजन मेकर। लेकिन इनकी ये जो पॉलिसी थी काफ़ी मतलब कि बुरी हालत हुई इसकी और असफल दाद लगी इसको इस पॉलिसी को लेकर, क्योंकि जो है इतनी ज़्यादा स्मगलिंग हरियाणा के अंदर शराबबंदी के बाद होने लगी थी, बच्चे से बच्चा जो है सुराग को जो कुरक धंधा उसमें शामिल हो गए थे, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी। उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि हम अगर देखते हैं उस टाइम के हरियाणा को, 1996 के हरियाणा को, तो उस टाइम हरियाणा का जितने भी ज़िले थे कोई भी एक ऐसा ज़िला नहीं था जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को टच ना करता हो, सबके इंटरस्टेट बाउंड्री थी, स्मगलिंग होती थी राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से, दिल्ली से, क्योंकि हरियाणा के सभी ज़िले जितने भी ज़िले टोटल ज़िले थे, क्योंकि उस टाइम रोहतक और झज्जर अलग नहीं हुए थे और ना ही भिवानी और चरखी दादरी अलग हुए थे, वर्तमान में ये दो ही ज़िले हैं जो रोहतक और चरखी दादरी जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य को नहीं लगती, बाकी वर्तमान में भी जितने भी हरियाणा के ज़िले हैं 20 ज़िले, 20 ज़िलों की सीमा दूसरे राज्यों को लगती है, इसलिए आसानी से जो शराब दूसरे राज्यों से हरियाणा के अंदर स्मगल की जाती थी। और इसी को देखते हुए काफ़ी बड़ा जो इनकम का भी लॉस हो रहा था, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्साइज जो आती है उसे काफ़ी धन मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको देखते हुए बाद में 2 साल के बाद ही जस्ट 1998 के अंदर इस जो है अध्यादेश को ख़त्म कर दिया गया, इस जो पॉलिसी को है बंद कर दिया गया। और इसी का नतीजा ये हुआ कि बाद में जब इनेलो की गवर्नमेंट आई, इनेलो की जब गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हमारे नेशनल जीके के अंदर कि वैट लागू करने वाला देश का पहला राज्य तो वो हरियाणा था। हरियाणा इसीलिए था क्योंकि जो इकनॉमी थी हरियाणा की वो शराबबंदी के बाद बहुत डाउन आ चुकी थी, पैसे बिल्कुल भी गवर्नमेंट के पास नहीं थे, तो ये सुझाव दिया गया कि नई जो है एक वैल्यू एडेड टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसकी शुरुआत की जा रही है, तो क्यों ना इसको सबसे पहले हरियाणा के अंदर लागू किया जाए। तो उस टाइम जो चौटाला गवर्नमेंट थी उन्होंने सबसे पहले हरियाणा के अंदर वैट लागू किया था। नेक्स्ट है शतरंज संघ का गठन 2008 के अंदर, जो चेस जो हरियाणा शतरंज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह चौहान, तो बहादुर सिंह चौहान जो है शॉर्ट पुट गोला जो फेंकने से जो संबंधित गेम है उससे रिलेटेड थे, काफ़ी मेडल्स इन्होंने दिलाए 1982 के अंदर जब गेम्स हुए दिल्ली के अंदर भी, वहाँ पर भी इन्होंने मेडल हमारे देश को दिलवाया। नेक्स्ट है मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए मृदभांड क्या है। मृदभांड मतलब मृदा से बने हुए भांड, मृदा से बने हुए बर्तन जो पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं। पुराने टाइम में जो मृदा से मिट्टी से जो घड़े बनाए जाते थे, मटके बनाए जाते थे, उनको मृदभांड बोलते हैं। तो रोहतक के अंदर एक जगह है खोखरा कोट, वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर ये मृदभांड पाए गए हैं, तो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए मृदभांड के लिए प्रसिद्ध जिला रोहतक। नेक्स्ट है 77 कौन सा कथन गलत है, ये दो जो कथन दिए गए इनमें कौन सा कथन गलत है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल 2006 से प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंध भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा किया जाता है, ना कि भारत सरकार के। तो इसलिए जो इसका आंसर है केवल दूसरा जो कथन है वो गलत है, पहला जो इसके अंदर स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 78 जाट गजट समाचार पत्र, तो जाट गजट ये किसने शुरुआत किया था ये आपको बताना चाहिए, जाट नेता चौधरी छोटूराम जो किसान नेता 1916 के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वो आपको कमेंट करें बताना इनका जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 79 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको ये अलग अलग चारों जो संस्थान हैं वो आपको बताने हैं कि कौन सा जो है स्थान, कौन सा जो संस्थान है प्लास्टिक का कहाँ पर है, टेलीविजन संस्थान वो कहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपको बताने हैं। तो पहला जो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल जो कुंडली के अंदर है, कुंडली सोनीपत के अंदर है। उसके बाद कॉरपोरेट मामलों का संस्थान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान हरियाणा के किस जगह पर है, मैच द फॉलोइंग में वो क्वेश्चन नहीं आया था, अलग से क्वेश्चन वो पूछा गया था। तो इसका आंसर आपका IIT मानेसर के अंदर। राज्य फिल्म जो एक यूनिवर्सिटी भी है आपको पता है सुपवा जिसको बोलते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल आर्ट्स जो है वो कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। नेक्स्ट है लास्ट है जो
केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी वो कहाँ पर है, वो है आपका दूसरा जो ऑप्शन है इसके अंदर सही है, प्लास्टिक के लिए जो इंस्टीट्यूट है मुरथल सोनीपत के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, सेंसस 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो लास्ट डिकेड के अंदर 2001 से 2011 के अंदर जो 2,53,51,462 जो हरियाणा की जनसंख्या है कितनी वृद्धि दर कितनी परसेंटेज से ग्रोथ की है उसने, तो 70.90% जो है वृद्धि प्रतिशत हरियाणा की रही है। तो ये था वीडियो दोस्तों आज का, आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कोशिश रहेगी अब से आपको एग्ज़ाम तक कंटिन्यू वीडियोस देने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।